Good morning, students. Good morning to all of you. तो बेटा वेक्टर्स का जो लास्ट सेशन था, बहुत दिमाग खराब करने के बाद हमने समझा था कि कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स हम क्यों निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला था बेटा कि कंपोनेंट्स का जो मैं समझता हूं ना, वो मैं समझता हूं हिस्सा। समझे, हिस्सा किसका? वेक्टर का। किसी वेक्टर का हिस्सा, मतलब हिस्सा मतलब देखिए, कोई वेक्टर अगर इस तरह है, कोई वेक्टर अगर ऐसा है, मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि एक वेक्टर है ए, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हिस्सा ऑफ वेक्टर ए अलोंग हॉरिजॉन्टल। समझ गए, यानी ये बोलना चाह रहा है कि किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल हिस्सा कितना है। तो बेटा हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठे कि सर इस क्वेश्चन का मीनिंग तो हम समझ गए, बट इसका क्या जरूरत है सर? अभी तक तो हम वेक्टर का मीनिंग समझ रहे थे कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है हम उसे वेक्टर कहते हैं, ये तो हम समझ रहे थे। फिर तरह तरह के नाम सीखे, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये वेक्टर, वो वेक्टर, ऑर्थोगोनल, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट, दुनिया भर के हमने नाम सीखा, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस भी किया कि जब जब इन सभी का यूज आएगा मैं आपको समझाते जाऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है। फिर हमने वेक्टर्स को ऐड करना भी सीखा, माइनस करना भी सीखा, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट वेक्टर सीखा ना। तो अब ये क्यों? देखो बेटा, पहली बात तो मैं आपको डायरेक्टली बोलना चाहूंगा कि कंपोनेंट्स आप निकालना सीखिए। क्यों? क्योंकि इसका काम आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में। अब आई बात समझ में? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का काम कब आता है? जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका काम कैसा होता है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग हॉरिजॉन्टल। मीनिंग तो आप समझ गए हैं, ए का हिस्सा चाहिए मुझे। इस हिस्सा वर्ड को समझाने के लिए पिछले सेशन में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एक बिल्डिंग पर, ये मान लीजिए ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, तो अगर आप एक बिल्डिंग पर इस तरह से एक सीढ़ी, एक लैडर लगा दीजिएगा और ऊपर से अगर लाइट दीजिएगा, क्या दीजिएगा? लाइट, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर लाइट दीजिएगा तो इस लैडर का शैडो कहां गिरेगा? जमीन पर गिरेगा। इसका लेंथ जो भी होगा हम क्या बोलेंगे? दिस इज हॉरिजॉन्टल हिस्सा ऑफ वेक्टर ए। कौन सा? ये वाला वेक्टर। आई बात समझ में? वेक्टर ए को मैंने लैडर बना दिया, उसका शैडो जमीन पर इतना लंबा होगा। अगर लाइट एकदम ऐसा हो तो, अगर लाइट एकदम ऐसा हो, लाइट अगर एकदम ऐसा हो, लाइट, तो इस लैडर का शैडो यहां गिरेगा, यहां गिरेगा। तो बेटा इसका जो भी लेंथ होगा आप उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल हिस्सा। क्या बोलेंगे? वर्टिकल हिस्सा ऑफ दिस लैडर, मतलब वेक्टर ए। तो आप समझिए बात को, यहां तो बिल्डिंग था, ग्राउंड था करके आपको समझ गया, बट यहां पर देखिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है,
आपको बस बोला गया है कि वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो। तो एक लाइन सुनिए और टॉपिक को गायब कीजिए। क्या करना है, वेक्टर का जो हेड है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल पर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये जो लेंथ होगा, अगर वेक्टर का नाम ए है तो ये जो लेंथ होगा हम उसे बोलेंगे ए अलोंग एक्स, क्योंकि ये बेटा एक्स एक्सिस है। अब सवाल उठता है कि हम ये लेंथ निकालेंगे कैसे, समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो अपना कॉमन लैंग्वेज है उसको हटाते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल फिजिक्स में आते हैं कि अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा आप कैसे निकालिएगा। इट्स वेरी इजी माय डियर, इधर देखिए, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स। तो क्या कीजिए, पहले तो आप वेक्टर बनाइए, पहले तो आप एक वेक्टर बनाइए और फिर क्या कीजिए, ऐसा और ऐसा करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, ऐसा और ऐसा करके राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, राइट एंगल एट दिस पॉइंट, समझ गए? तो आप इसको क्या बोलते हैं बेटा, आप इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको, डिपेंड करता है। अगर थीटा ये है, ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल है, तो सामने वाला साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट जो साइड है, बाजू वाला साइड, उसे हम कहते हैं बेस। बी फॉर बाजू, बी फॉर बेस। इतने में अगर आप मान लीजिए नॉर्मल एक ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर को मैं मान लेता हूं यहां पर y, और हाइपोटेन्यूस को मान लेता हूं मैं यहां पर x, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस को मान लेता हूं मैं a, तो क्या लिखेंगे आप, y अपॉन a। तो बताइए फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a इधर आ जाएगा, a साइन थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब बेस को मैंने माना है x, x मतलब क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ है, y क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ है, ठीक है। तो बेस कितना है, x y हाइपोटेन्यूस यानी a। यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो a इधर आ जाएगा, बस बेटा हो गया और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये डायग्राम को और ये डायग्राम को देखो, बताओ इस लेंथ को अगर तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हो तो कितना होगा, आखिर ये कितना होगा, ए कॉस थीटा। यहां देखो थीटा के बाजू वाला साइड कितना होता है, थीटा के बाजू वाला साइड कितना होता है, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ लेता हूं, व्हाट इज द कंपोनेंट यानी हिस्सा ऑफ वेक्टर ए अलोंग वर्टिकल, यानी ए का हिस्सा मुझे चाहिए वर्टिकली, तो मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। जब हॉरिजॉन्टली पूछा था तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जब अलोंग वर्टिकल बोल रहा है तो मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। समझ में आया बात। अब ये लेंथ जितना होगा
दैट विल बी वर्टिकल हिस्सा ऑफ वेक्टर ए, वर्टिकल हिस्सा ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो मैं इसका नाम दे सकता हूं ए वाई। ए क्यों, इसको मैंने ए क्यों बोला, क्योंकि ये ए का हिस्सा है। लेकिन मैंने सफिक्स में वाई क्यों लिखा, क्योंकि ये ए का हिस्सा है अलोंग वाई। समझ में आया? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वर्टिकल, तो ए वाई यानी थीटा के सामने वाला साइड। ये दोनों सेम ही होगा ना, तो देखिए थीटा के सामने यानी कि वाई, वाई मैंने क्या लिखा है ए साइन थीटा। तो बेटा ए वाई कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में, बात समझ में आई? तो सुनना, हमारा पहला पॉइंट क्या निकला, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर। समझ में आया? देन ए एक्स इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड ए वाई इज वर्टिकल कॉम्पोनेंट। आई बात समझ में? तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस बार, लेकिन पट से बताऊंगा, पट से सीखना कि अगर आपके पास एक ऐसा वेक्टर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर बोला है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। दिस लेंथ विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिंस इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसका नाम है ए एक्स और इसका नाम हो जाएगा ए वाई। समझ में आया? तो नाउ इफ दिस इज थीटा देन ए एक्स इज ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज ए साइन थीटा। समझ में आया? बात समझ में आया? अब बेटा इस टॉपिक का नाम देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन शब्द को देखकर ज्यादा घबराना मत, क्योंकि इस टॉपिक का मीनिंग है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इसका मीनिंग है। रिजोल्यूट करने का मतलब होता है कंपोनेंट्स निकालना। ओके, तो क्वाइट सिंपल। अब एक और काम का बात सुनो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस अभी नहीं बनाऊंगा, तो ये पॉइंट मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई और पॉइंट का नाम है मान लीजिए ए। तो ओरिजिन से जो लाइन बनेगा, ओरिजिन से जो लाइन बनेगा पॉइंट ए तक, वो कौन है, ये कौन सा वेक्टर है, जल्दी बताइए ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है। ओ ए इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मान लीजिए इस वेक्टर का नाम मैंने दिया आर, तो R के ऊपर एरो देना होगा। सवाल उठता है कि इस R को आप लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे, यार कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे सामने हैं, लिख दो x i कैप प्लस y j कैप। सर k कैप कहाँ गया, बेटा मैंने z एक्सिस बनाया ही नहीं है, ये पॉइंट बोर्ड से बाहर निकला ही नहीं है, बोर्ड पर ही है, इसलिए इसका z वाला कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं।
समझ में आया? तो आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब सुनना ध्यान से, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, मान लीजिए, मानने में क्या जरा है ना। उस समय अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया तो इसे आप क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, कितना बोलोगे, कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो आप इसे बोलोगे एक्स, और इसे आप क्या बोलोगे, ये हाइट कितनी होगी वाई, तभी ना कोऑर्डिनेट पड़ा एक्स कॉमा वाई, समझे बेटा। इससे मिक्स मत करो, इससे मिक्स मत करो, इससे मिक्स मत करो, ये तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूं। तो जितना तुमको इसमें समझा कि अगर वेक्टर ये है ए, तो ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ए वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। वैसे ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा है, ए वाई कितना है, ए साइन थीटा है। तो बेटा ध्यान से देखना, इससे मिक्स करके देखना, अब तुम बहुत हो गया, अब इससे मिक्स करके देखो, अगर ये आर है तो क्या मैं बोल सकता हूं x इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ r, समझ गया ना। जैसे a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना था, वैसे ही r का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, a cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं x की जगह r cos थीटा। सर r क्यों, अरे इधर a था तो a cos थीटा, यहां r है तो r cos थीटा। क्या मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू r sin थीटा, बोल सकता हूं, है ना, बोल सकता हूं ना। ay कितना है, a sin थीटा, तो y कितना होगा, r sin थीटा, थीटा के सामने वाला sin, x फॉर सामने, x फॉर sin, समझा। तो क्या मैं r को ऐसा दोबारा लिख सकता हूं, x की जगह r cos थीटा इंटू i कैप प्लस y की जगह r sin थीटा इंटू j कैप, लिख सकता हूं कि नहीं। बस लिखने की बात है, टॉपिक यही खत्म हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, बस लिखने की बात है। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा अगर मैं बोलूं i कैप के सामने x लिखा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं x इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, बोल सकता हूं x इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, ऐसी बोलने की बात है, बोल सकता हूं, है ना। तो यहां देखिए i का कोएफिशिएंट कौन है, x, j का कोएफिशिएंट कौन है, y, और हम एक चीज देख रहे हैं कि r वेक्टर का x कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मैं यहां से लिखूंगा यहां पर वेयर x इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of r वेक्टर, लिख सकता हूं ना, एंड y इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर। समझ में आया बात। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी वेक्टर अगर है तो आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कंपोनेंट्स निकालना। एक आखिरी बात बेटा, एक आखिरी बात, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैंने कंपोनेंट जो निकाला है वो अलोंग एक्स और अलोंग वाई निकाला है, है ना। अलोंग एक्स कितना है, एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस कितना है, वाई है, है? अच्छा देखो, तो इनके और इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल है क्या, हाँ है, वो तो होना ही है, उसमें कुछ नया बात नहीं है। तो याद रखना, इस केस में, ऐसा केस में हम क्या बोलते हैं,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ में आया बात, है ना? तो कभी भी अगर आप किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड ऐसा निकाल रहे हो तो उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ कंपोनेंट्स आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तो हम क्या कहते हैं? जेड नहीं, सॉरी, एक्स एंड वाई एक्सिस। रीजन तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं इन कंपोनेंट्स के हेल्प से मैं बोल सकता हूं ये दो कंपोनेंट्स जो है वो एक रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा आप रेक्टेंगल बना दीजिए, इन इन कॉर्नर्स को मिला दीजिए, मान लीजिए ये वेक्टर बी है, तो क्या ये जो लेंथ है, अगर ये थीटा है, ये जो लेंथ है वो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी है? ये जो लेंथ है क्या वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, क्या वो किसी रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट साइड्स है? हाँ है। बस इसीलिए बेटा इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, यानी भी कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो कुछ वरी वाला बात तो है नहीं, कुछ टेंशन वाली बात तो है नहीं। समझ में आ गया? चलो अब छोटा सा एक क्वेश्चन का सेशन। एक वेक्टर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। जल्दी बताओ ax कितना होगा? कितना होगा ax? मतलब कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस। बेटा x एक्सिस के अलोंग कौन है, i है कि j है? Which यूनिट वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस? i और j, i ना, तो उसका कोफिशियंट क्या है? a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी अलोंग x। ए वाई कितना होगा? 3, 4। चलो जल्दी बताओ, अगर मान लो वेक्टर b है 3j माइनस 2i, पूरा पगला कर दिया मैंने, पूरा पगला कर दिया, बताओ bx कितना है? 3। गलत बेटा, एक बार देख तो लो j कहाँ है, i कहाँ है। तुम कैसा भी लिख सकते हो, तुम आई बाद में लिख दिए, माइनस 2। बेटा बी वाई कितना है? 3। समझा? कोई वेक्टर है, मान लो इसका लेंथ है 8 मीटर और मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 30 डिग्री। तो जल्दी से बताओ मुझे इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? कौन सा होगा? ये वाला होगा। कितना होगा? 8 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 इंटू ये वाला 8 कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया? 4√3 meter। बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कितना होगा? कितना होगा? थीटा के सामने वाला है ना, एस फॉर सामने, एस फॉर साइन, तो 8 sin θ। साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। कितना हो गया? 4। तो आंसर इज 4 meter। समझिए बात को, ओरिजिनल वेक्टर इधर है, ओरिजिनल वेक्टर, इसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा इतना है और इसका वर्टिकल हिस्सा इतना है, समझे? ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, आप क्या करना, इन दोनों को ना स्क्वायर करके ऐड कर देना, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, तुमको वापस ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, रेक्टेंगल बनाओ, डायगोनल बनाओ, ये x, ये y, अगर मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम। समझा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कमाल?
हाँ ठीक है। अब बेटा सवाल उठता है कि सर हम तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे उसको तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बोलेंगे, क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलावा भी कोई नाम है क्या, यानी कोई दूसरा टॉपिक है क्या? यानी मैं ऐसा हो सकता है क्या कि मैं किसी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स नहीं निकालूं, अलोंग वाई नहीं निकालूं, अलोंग जेड नहीं निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए भी टॉपिक है, इसको लिख लेना बेटा। हाँ उसके लिए भी एक छोटू सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी गिवन डायरेक्शन। टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है। मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, मान लो बोला एक लाइन है बेटा जो कि ऐसा है, कैसा? ये एक्स एक्सिस है क्या? नहीं, ये कोई तो भी एक लाइन है, मुझे इसका हिस्सा चाहिए इस लाइन के अलोंग। टेंशन क्यों लेते हो तुम, इसी को एक्स एक्सिस मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कंपोनेंट कंपोनेंट ही तो निकालना है, तुम इसी लाइन को एक्स एक्सिस मान लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डज इट लुक लाइक परपेंडिकुलर? यस, कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो देखो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी गिवन डायरेक्शन, अलोंग एनी गिवन डायरेक्शन, तो मैंने एनी को ही एक्स मान लिया। टेंशन मत लो बेटा, ये एंगल गिवन रहेगा थीटा। तो समझो, बस बात को समझो कि अगर ये वेक्टर ए है, लैंग्वेज को सुनो, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मुझे हिस्सा चाहिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। वो तो हो गया, वो तो पढ़ा के हो गया, वेक्टर का हिस्सा हॉरिजॉन्टली पढ़ा के हो गया, वर्टिकली पढ़ा के हो गया। ये क्या बोल रहा? नॉट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, ऐसा करना क्या है? ऐसे ही करना है यार। ये डिस्टेंस भी कितना होगा बताओ जरा जल्दी से, कितना होगा यार? उतनी तो होगा, ए कॉस थीटा, थीटा के बाजू वाला। आया बात समझ में? समझ में आया? अब अगर मान लो तुमने ये वाला लेंथ भी निकाल लिया, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? नहीं। क्या ये वर्टिकल है? नहीं। बट क्या ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। किसके? इस वेक्टर ए के, है ना? थोड़ा ठंडा हो जाओ, यहां रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या तुमको यहां पर ऐसा बोला है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, ये गिवन डायरेक्शन है, इस पर परपेंडिकुलर के अलोंग मुझे कंपोनेंट निकाल कर दो, ऐसा बोला क्या? नहीं, उसने परपेंडिकुलर नहीं बोला, उसने तो अलोंग बोला, अलोंग अलोंग बोला उसने कि अगर ये वेक्टर ए है और ये कोई भी मनगणित एक डायरेक्शन है, मनगणित एक डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट बताओ इस डायरेक्शन के अलाउंग। कुछ नहीं करने का, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा के बाजू वाला ए कॉस थीटा। समझा? समझा? तो किसी भी गिवन डायरेक्शन में अगर मान लीजिए, किसी भी गिवन डायरेक्शन में अगर मान लीजिए किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने बोल रहा है और उसी डायरेक्शन के साथ आपको एंगल थीटा दिया हुआ है, तो बिंदास लिखना कि इसका आंसर इज ए कॉस थीटा। समझ गया? तो ये जो भी पढ़ा आपने, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, लेकिन टू डायमेंशनल पढ़ा, टू डायमेंशनल, समझे? अब हम देखेंगे कि
थ्री डायमेंशनल, मतलब एक्स वाई जेड अगर तीनों रहा तो क्या होगा। तो चलिए पट से वो भी समझा देते हैं आपको।